ललन टॉप की व्यूअर हैं तापसी, 27 साल की हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं। बाकी दिल्ली वालों की तरह वो भी बारिश के मौसम से बहुत परेशान हैं, पर वजह केवल आसपास भरा हुआ पानी नहीं है। हर साल मॉनसून में उनकी स्किन का बुरा हाल हो जाता है, अचानक से चेहरे, सीने और पीठ पर दाने निकल आते हैं। इन दानों में बहुत दर्द होता है, इनसे पानी निकलता है। अब कुछ महीने बाद ये ठीक तो हो जाते हैं, पर बहुत गहरे निशान छोड़ जाते हैं, और ऐसा ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही होता है हर साल। जिस दिक्कत का सामना तापसी कर रही हैं उसका नाम है मॉनसून एक्ने। ये एक्ने है जो कि मॉनसून के महीने में होता है। काफ़ी लोग इस परेशानी से जूझते हैं। तापसी चाहती हैं कि हम अपने शो पर मॉनसून एक्ने के बारे में बात करें, डॉक्टर से पूछकर बताएं कि बारिश के मौसम में एकाएक दाने ज़्यादा क्यों निकलने लगते हैं और इनसे कैसे निपटें। बारिश के दौरान हमारी जो स्किन है उसमें ऑयली ज्यादा हो जाती है, तो हमारी बॉडी में जब भी हमारी चमड़ी है उससे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है, तो जब वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और उसके अंदर इन्फेक्शन या संक्रमण ज्यादा हो जाता है। बारिश के मौसम में वैसे भी इन्फेक्शन या संक्रमण की दिक्कत ज्यादा होती है। इन दो कारणों की वजह से हमारे शरीर में बारिश के दिनों में मुहासे जो है वो ज्यादा होते हैं। सबसे पहली चीज जो अगर आपके फेस पे या आपके चेहरे पे मुहासे हैं, तो सबसे पहला जो आपने देखना है कि कभी भी ना खुद अपने क्या कहते हैं चेहरे पे किसी को हाथ लगाने देना है, ना खुद लगाना है। बार बार अगर आप अपने हाथ को अपने चेहरे पे लगाते हो तो मुहासे की दिक्कत बढ़ती है। दूसरी चीज जो हमने देखनी है कि आपने हमेशा अपनी स्किन को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करके रखना है। उस वो कैसे करेंगे कि आप अच्छी तरीके से पेयजल का सेवन करेंगे, अच्छा आपका पीने के पदार्थ ज़्यादा लेंगे, और कैफीन वाली चीज़ें जैसे कि आपकी चाय है, कॉफ़ी है, रेडबुल है, इन सब का सेवन कम करेंगे। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। देखिए, आप अपने फेस पे मेकअप लगाते हैं, आप अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन मॉइस्चराइज़र में कई बार चीज़ें होती हैं जैसे कोको बटर, शिया बटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपके मुहासे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे क्या आपको मुहासे ज़्यादा तो नहीं होते, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर एक प्रोडक्ट आपको सर्दियों में, गर्मियों में या बाकी मौसमों में मुहासे की प्रॉब्लम नहीं दे रहा, तो क्या वो बरसातों में दे सकता है? जी हाँ, वो दे सकता है, क्योंकि ये जो दो कारण मैंने आपको बताए हैं कि ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा जब आपका जो स्किन से निकलने वाला पदार्थ, तो वो ब्लॉक करेगा और आपको मुहासे हो सकते हैं। तो इसीलिए बरसातों में भी जो आप प्रोडक्ट नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं एक बार आप उनको दोबारा रीटेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि ये जो चीज़ मैं लगा रहा हूँ मेरे को इस वजह से मुहासे तो नहीं हो रहे। ये सब जानते हैं कि अगर आपने मुहासे को रोकना है तो आपको अपनी स्किन को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको समय समय पे क्लीन करना पड़ेगा, एक्सफोलिएट करना पड़ेगा, हाइड्रेट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो हैं अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो बारिशों में मुहासे आपको कम परेशान करेंगे। एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुहासे सिर्फ चेहरे पे नहीं होते, बाकी शरीर पे भी होते हैं। जहाँ जहाँ आपकी चमड़ी होती है वहाँ वहाँ पर मुहासे होते हैं। तो अगर आपको जब भी मुहासों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनका इलाज सिर्फ एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराइए, उनके पास जाइए, वो आपको इस चीज़ का ट्रीटमेंट देंगे और वही ट्रीटमेंट सही होगा। बारिश के मौसम में एकाएक दाने क्यों निकलने लगते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पर एक बात का ध्यान रखें, चाहे आपका कितना ही मन क्यों ना करे, इन दानों को नोचे नहीं। इसे ना सिर्फ निशान और गहरे बढ़ते हैं बल्कि इन्फेक्शन का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए सही इलाज लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कहीं आपका टूथपेस्ट सिर दर्द और माइग्रेन की वजह तो नहीं बन रहा? कुछ साल पहले की बात है, एक महिला अपने माइग्रेन से बेहद परेशान थी। कुछ डॉक्टर्स को भी दिखा चुकी थी, कई सारे टेस्ट भी हो चुके थे, अलग अलग तरह का इलाज भी ले लिया था, पर कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब इससे पहले उन्हें कभी भी माइग्रेन की समस्या नहीं रही थी, यह अचानक शुरू हुआ था। कई महीने जांच चली, अंत में बताए क्या पता चला, उनके माइग्रेन की वजह थी उनका टूथपेस्ट। अब आप पूछेंगे कि माइग्रेन और टूथपेस्ट के बीच में क्या कनेक्शन है? अब एक बात बताइए, जब आप बाजार से टूथपेस्ट खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या मिला है ये चेक करते हैं? नहीं ना,
आप खुश हो जाते हैं ये पढ़कर कि वो टूथपेस्ट आपके दांतों को मोती जैसा चमका देगा, मुंह से आपकी परफ्यूम जैसी खुशबू आएगी और उसमें नमक है या नहीं। इतनी बातें जान लेना आपके लिए काफी होता है, इसके आगे आप कुछ नहीं पढ़ते और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपके टूथपेस्ट में एस्पार्टम है तो ये माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। यही इन महिला के साथ भी हो रहा था। दरअसल एस्पार्टम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये खाने की कई सारी चीजों से लेकर टूथपेस्ट में मिठास पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी टूथपेस्ट खरीदने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि कहीं उसमें एस्पार्टम तो नहीं है, समझे। अब बारे सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। खाने में ये वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर का खतरा हो सकता है। अगर आप भी चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आमतौर पर आर्टिफिशियल स्वीटनर में एस्पार्टम नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। हाल ही में WHO ने एस्पार्टम को लेकर चेतावनी जारी की है, कहा है कि इससे कैंसर का खतरा हो सकता है। इसके बारे में और जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी और अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन सुनीता ने हमें बताया कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चीनी के मुकाबले एस्पार्टम 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, इसलिए जो लोग अपनी कैलोरी इनटेक कम करना चाहते हैं वो अक्सर एस्पार्टम का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, च्युइंगम, कैंडी, डाइट कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, चबाने वाले विटामिन की जो टैबलेट्स हैं वो, कफ ड्रॉप्स और भी बहुत सारी मीठी चीजें जो पैक्ड आती हैं, उन सभी में एस्पार्टम डाला जाता है। यानी आप लगभग रोज ही बड़ी मात्रा में इसका सेवन कर रहे होते हैं, लेकिन एस्पार्टम का ज्यादा सेवन कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है। WHO का कहना है कि एस्पार्टम का रोज सेवन करने वाले लोग अगर इसको सीमित मात्रा में लें तो कैंसर के खतरे से बचे रह सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक हेल्दी इंसान जिसका वजन 70 किलो है, उसके लिए रोजाना 42 ग्राम से ज्यादा एस्पार्टम नुकसानदेह होगा। यानी अगर कोई रोज 200 से 300 मिलीलीटर की डाइट कोल्ड ड्रिंक 9 से 14 कैंस पी रहा है, उसे सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही डाइटिशियन अमृता मिश्रा का यह भी कहना है कि जितना हो सके पैक्ड मीठी चीजों का सेवन ना करें। साथ ही खाने में मिठास के लिए आप गुड़ या फिर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो फिर गुड़ और मिश्री कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज, LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे, गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठक की और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस वजह के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 69 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा, तो सब्सक्राइब करिए आज ही। सूचना समाप्त, शुक्रिया।